हेलो फ्रेंड, इंडियन डॉग लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो टॉप 5 इंडियन डॉग ब्रीड हाउंड जो कि आप स्क्रीन पर आज देखने वाले हो। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ताकि आगे से कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नंबर 1 ब्रीड पर हैं रामपुर हाउंड जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये इंडिया की नॉर्थ रीजन की ब्रीड है जो कि आपको दिल्ली से यूपी रामपुर तक ही मिलती हैं, यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर ही आपको मिलती है। और आप इसकी ओरिजिनलिटी को ही देखें, बहुत से बंदे आपको ग्रे हाउंड से इसको मिक्स करके भी दे देते हैं, तो कृपया करें उनसे बच के ही आप इस डॉग को एडॉप्शन पे लें। और देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी प्लेफुल डॉग ब्रीड होती है और फैमिली के साथ इसका बहुत ही अच्छा अटैचमेंट होता है और ये इनडोर आउटडोर दोनों के लिए कंफर्टेबल होती है। नेक्स्ट ब्रीड है हमारी मुधोल हाउंड जो कि आपकी महाराष्ट्र के अंदर मिलती है। महाराष्ट्र की ही ब्रीड है ये मुधोल हाउंड। और आप देख सकते हो मुधोल हाउंड की जो खासियतें हैं, इसकी हाइट बहुत ही अच्छी होती है और इसको हमारे इंडियन आर्मी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा यानी कि डॉग है और बहुत ही अच्छी यानी कि इसकी लेंथ है। इसकी हाइट मैक्सिमम 34 to 32 इंचेस तक हो जाती है। और जो इसकी वेट की बात करें तो इसका जो मेल है वो 50 to 70 केजी का हो जाता है, इसकी फीमेल है उसका 50 to 60 केजी हो जाता है। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी होती है। ये इंडिया का जो हाउंड है वो सबसे बड़ा हाउंड मुधोल हाउंड ही कहलाता है, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट ब्रीड है हमारी राजा पल्यम, नंबर 3 पे। हाँ जी, राजा पल्यम हमारे तमिलनाडु की ब्रीड है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। ये तमिलनाडु का राजा पल्यम एक जगह है, वहीं की ये डॉग ब्रीड है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और इनकी खासियत है कि इनकी जो नोज होगी वो बिल्कुल पिंक होती है, इनके लेब्रा टाइप में आगे की साइड में कान लटके हुए होते हैं और ये बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड होती है। और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, लेब्रा की जितनी इसकी हाइट होती है। और ये भी अभी बहुत ही कम देखने के लिए रह गए हैं, तो कृपया करके प्लीज़ अडॉप्ट इन डॉग्स को भी आप अडॉप्ट करें। और आप अब किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी हमें बताएं कमेंट करके। अभी हमने आपको 5 इंडियन डॉग ब्रीड्स मैस्टिफ में दिखाए हैं और 5 हमने आपको हाउंड में दिखाए हैं। अभी अगली आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बताएं। नंबर 4 पर है कैरेवन हाउंड। इसका भी जो मेन जो जगह है इसकी वो भी महाराष्ट्र है और इसको स्पेशली रनिंग के लिए रखा जाता है। ये बहुत ही अच्छी रनिंग करता है। और इसकी ओरिजिनलिटी की बात करें, इसकी नोज ब्लैक होती है और ये भी बहुत ही अच्छे पावरफुल डॉग ब्रीड होती है भागने दौड़ने में। और ये भी एक अच्छा गार्ड डॉग होता है, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा अटैचमेंट होता है इसका। और कभी भी आप कोई भी इंडियन डॉग पालें तो कृपया करके उसको बचपन से ही पालें, बड़ा होने के बाद उसको घर में ना लाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजर भी हो सकता है आपके बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी लेंथ में होते हैं ये भी कैरेवन हाउंड भी, और बहुत ही पावरफुल डॉग ब्रीड होती है कैरेवन हाउंड। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कैरेवन हाउंड कैसे होते हैं, तो प्लीज़ इनको भी सेव करें। नेक्स्ट ब्रीड है हमारी पश्चिमी हाउंड जो कि आपको दिख रहे हैं। इनकी तो खूबसूरती का क्या कहना, ये भी बहुत ही अच्छे हाउंड होते हैं और ये भी आपके महाराष्ट्र के अंदर ही मिलते हैं आपको। इनकी जो पर्टिकुलरी जगह है वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर ही होती है, मेरे को मणिपुर, मेरे को या स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और आप मेरे को कृपया करके ये बताएं कि अब अगला मेरा किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। अब मैं अपने चैनल पर कोई भी सेल एंड परचेज के रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं करूंगा, तो कृपया करके मेरे को उस चीज़ के लिए ना बोले। उसके अलावा आप बताइए आपको किस टॉपिक के ऊपर हमारे से वीडियो चाहिए है, हम उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देंगे। और कृपया करके इस बार आप मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं आपके लिए वेज डाइट के ऊपर भी एक स्पेशली वीडियो बनाऊँगा कि
कि आपको अपने डॉग्स को वेज डाइट कैसे देनी चाहिए। और ये मैंने आपको जितने भी हाउंड दिखाए हैं ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए ही कंफर्टेबल होते हैं, तो प्लीज़ इनको अडॉप्ट करें, इनको सेव करें, इंडियन डॉग्स को।